ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस HD क्वालिटी में आप अपनी फोटो में किस तरीके से स्क्रीन को जो है एकदम HD क्वालिटी में स्मूथ कर सकते हो, वो भी विदाउट लूजिंग टेक्सचर। तो गाइस आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को यही सिखाऊंगा। एंड गाइस जैसा कि आप सभी को पता है गाइस मैं कुछ भी ट्रिक आपको सिखाने से पहले गाइस मैं जो है उसका पहले रिजल्ट दिखा देता हूं आप सभी को। तो गाइस आपके साइड में जो ये वाली फोटो जो दिख रही है गाइस अभी हम जो इसका जो है इस फेस को स्मूथ करेंगे एंड स्मूथ करने के बाद जो है गाइस कुछ इस टाइप की हम उस फोटो को बनाएंगे। तो जैसे गाइस आपने भी देख लिया है, अब गाइस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जो बस वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड बाकी गाइस सारी मतलब की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगी, बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि गाइस आपको जो है अपनी फोटो में टेक्सचर भी ऐड करना है एंड गाइस वो टेक्सचर कैसे ऐड करना है गाइस उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आप लोगों को पहले पिक्सार टैब को ओपन करना है एंड अगर जो भी चीज़ मैं आप सभी को बताऊंगा साइड में दिखती रहेगी तो गाइस आप लोग जो वीडियो को ध्यान से देखना। तो गाइस सबसे पहले जो यहाँ पे मैं अपने पिक्सार टैब को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर रखा है वैसे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एडिट इमेज पे जाके आपको यहाँ से अपनी फोटो को ओपन करना है एंड यहाँ से जो है मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये वाली हमारी जो फोटो है इसको हमें मतलब यहाँ पे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड इसमें जो है मतलब कि इस वाली फोटो में हम टेक्सचर डालेंगे। तो इसको लेकर आपको पहले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो गाइस यहाँ पे आपको कई तरीके के ऑप्शन दिख देंगे, ठीक है। तो इनमें से मतलब आपको जो है आर्टिस्टिक वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर चले जाना है एंड इस पर जाने के बाद आपको एकदम एंड में चले जाना है, ठीक है। एकदम एंड में जाके आपको जो फिल्टर दिख रहा है गाइस ये वाला आपको सिंपली इसको ले लेना है एंड इसको ऊपर से मर्ज कर लेना है एंड मर्ज करने के बाद जो है आपको सिंपली ऊपर से डन कर देना है एंड डन कर देने के बाद आपको जो है इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना है। अब गाइस मैं बताता हूँ आप सभी को आगे का प्रोसेस। सो गाइस अब जो है हम इस फोटो की जो स्किन है इसको हम स्मूथ करेंगे एंड गाइस इसमें टेक्सचर को जो है वो भी ऐड करेंगे। एंड गाइस आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। एंड गाइस सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ गाइस आपको स्क्रीन साइड में दिख ही जाएगा बट गाइस मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले ही। तो गाइस जब आप यहाँ पे जब अपनी फोटो में जब आप स्किन को स्मूथ करोगे तो गाइस जो टेक्सचर वगैरह वो जो है गाइस आपको फुल नहीं रखना, आपको थोड़ा कम रखना है। बाकी कैसे करना वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले जो आप लोगों को करना क्या गाइस, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिख रही साइड में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑन कर लेना आपको स्नैपसीड ऐप को, ठीक है। इसको ऐड करो, ओपन करोगे तो गाइस उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली आपकी गैलरी जो है ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड करना है, मतलब कि जो आप फोटो का स्किन स्मूथ करना चाहते हो वो जैसे ऐड हो जाएगी तो गाइस आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले अपनी फोटो को जो जूम कर देता हूँ इस वाली फोटो को एंड इसको जूम करके जो है गाइस इसमें देखिए जैसे कि इसमें पिंपल्स वगैरह जगह आपकी फोटोज में होंगी तो उसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पे टूल्स में चले जाना है। टूल्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा एक हीलिंग का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड गाइस आपको अपनी फोटो में देखना गाइस आपके फोटोज में जो पिंपल कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ पे होंगे आपको सिंपली इस तरीके से टैप करना जो है पिंपल्स वगैरह जो वो इजिली गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस फोटो में जो ज़्यादा पिंपल्स हैं नहीं तो गाइस इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली डन कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब मैं इस फोटो को पहले दोबारा जूम कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए इसमें जो हमें फेस को करना है स्मूथ, ठीक है, तो स्किन को जो करना है स्मूथ तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे टूल्स में जाना है एंड यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है गाइस यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन के ऊपर एक प्रेस करके रखना है एंड उसके बाद आपको उसको सेकंड ऑप्शन में ले जाना है, ठीक है, फेस स्मूथिंग में। फिर जैसे ही आ जाएगा तो आपको गाइस इसका जो ओपेसिटी इसको फुल कर देना है, ठीक है। फुल कर देने के बाद अगर आपको ये कम लगे तो गाइस आपको क्या करना है, आपको डन करके दोबारा से इसी ऑप्शन को ओपन कर लेना है एंड अपने हिसाब से आपको जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं फुल कर लिया मैंने, अब इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव एंड इसको सेव करके मैं लेके चलता हूँ गाइस पिक्सार टैब में, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे हम मतलब जो टेक्स्चर वगैरह वो वहीं डाल सकते हैं एंड फोटो को जो एक अच्छा लुक वहीं दे पाएंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्सार टैब को ओपन कर लिया, यहाँ पे फोटो भी मैंने ऐड कर रखी है, तो आपको ये करना है गाइस आपको सिंपली चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है जो टेक्सचर वाला जो PNG अभी हमने जो फोटो थी मैंने आपको सेव करवाई थी स्टार्टिंग में, आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऑन करना है एंड इसको ऑन करने के बाद आपको ये करना है, आपको यहाँ पे फुल साइज रख के आपको जो यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है एंड इसमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको इसको रख देना है ओवरले एंड ओवरले रखने के बाद जो है गाइस यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। गाइस देखिए ये हमारा बिफोर एंड ये हमारा आफ्टर, तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने मतलब कि इसको स्मूथ करके एंड टेक्सचर भी डाल दिया, ठीक है। तो हमारी फोटो में जो एक अच्छे तरीके से फेस जो है स्मूथ हो चुका है बट इसकी मैं ओपेसिटी जो थोड़ी कम रखूंगा, ठीक है, अराउंड 70 तक की ताकि कहीं जो फेक ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना रख दिया है, तो गाइस अब जो हम इस फोटो को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा मैंने आप सभी को सिखाया कुछ ही स्टेप में फोटो का जो है फोटो में आप अपने फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो। सो गाइस वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना
और अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस अभी मैंने लास्ट वीडियो आप सभी के लिए डाली थी गाइस, हाउ टू बैकग्राउंड रिमूव इन HD क्वालिटी, तो गाइस उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई बटन में मिल जाएगा। एंड गाइस वीडियो जो है काफी मतलब इन्फॉर्मेटिव है, एंड इसमें गाइस मैंने एक न्यू ट्रिक्स आप सभी को सिखाई कि आप कैसे बैकग्राउंड को जो है कैसे इरेज कर सकते हो, तो गाइस उस वीडियो को जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी गाइस चलिए मिलता हूं सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।